अस्सलाम वालेकुम नहीं, पहले सलाम करो फिर मैंने उठाना है। पहले सलाम फिर उठाना, नहीं तो मैंने नहीं आज उठाना। क्यों होशियार है? अस्सलाम वालेकुम सलाम करना है, कुछ ही नहीं करनी। सलाम करे ये ऐसे कैसे आओ? वो कहता है कि पहले मुझे उठाओ फिर मैं सलाम करूंगा। क्या हुआ की? क्या हुआ ये चक्कर? अच्छा चला जी, पहले हम मिल लेते हैं, बाद में सारी बातें। कैसे हो? हाँ ठीक है, ठीक हो? खाना वाना सही खाया आज? चलो बैठो बैठो, मैं थोड़ा फ्रेश हो रहा हूँ। अच्छा अब जो है ना, शावेज को अपने नाम की पहचान होगी, उसको शावेज बुलाना तो भाग के देखता कहता हो क्या हुआ? अभी चेक करे इधर, शावेज क्या कर रहे हो? देखा भाग के देखा, उसको पता शावेज मैं ही हूँ और कोई नहीं। आप शावेज है? शावेज इसको पता है कि शावेज मैं ही हूँ। आप शावेज हो? आप शावेज? हम लोग मार्केट गए थे तो वैसे घूमने फिरने, तो शावेज के लिए हमने ये प्यारा सा एलिफेंट लिया है जो शावेज की तरह बहुत क्यूट है। ये चेक करें कितना खूबसूरत है। वाह माशाल्लाह, शावेज का जी न्यू फ्रेंड आ गया है। शावेज के सब फ्रेंड्स में से सबसे क्यूट फ्रेंड ये वाला आया शावेज के पास। ये लड़ाई हो रही है, काटना नहीं इसे। कान खींच देता शावेज। शावेज की अम्ब्रेला भी हमने लिया है, बारिश बारिश का सीजन चल रहा है, बाहर निकलते हैं तो गिलौने का डालो, तो इसलिए हमने शावेज के लिए रंग बिरंगी क्यूट सी अम्ब्रेला। ओह ये देखो, ये पकड़ो, ये खुद ही उठानी है आपने, ये हल्की सी आपके लिए स्पेशल। ओह ये देखो ऐसे ऐसे उठा के पकड़ो, ये ऐसे, ये भी इधर से पकड़ो, ये भी इधर से पकड़ो, ये इधर से। चलिए बस करें बस, ये जब बाहर जाओगे ना तो फिर आप मिले नहीं, अभी नहीं, अभी अभी धूप नहीं आ रही, बारिश भी नहीं। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, शावेज को जी गुस्सा आने लग जाता है। ये ले आपकी आपकी ये आपकी। ओ ये चेक करे, इसको जी गुस्सा आ रहा है जी, देखो गुस्सा आ रहा है। ये ले शेर जी बुला रहा, चेक कर रही कैसे, कह रहा है कि मेरी बात सुन लो। हाँ जी आप की तरफ आ रहे हैं, आप की तरफ आ रहे हैं। अभी चलते हैं, आज कुछ नया बनाते हैं, शावेज के लिए भी बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कुछ नया। इसका अभी दिल है कि बस मुझे थोड़ा सा उड़ा के घुमाओ फिर आओ, मैं थक गया हूँ बैठ बैठ के ना, तो आप मुझे सैर करवाए थे, तो पहले तो अभी इसको थोड़ी सैर करवाते हैं और फिर हम आज कुछ नया बनाने जा रहे हैं, तो शावेज के साथ इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सबको खैरियत से होंगे, जान खुश होंगे। तो एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर है फिर से। माशाल्लाह लाहौर का जो मौसम है काफी बेहतर हो गया है, आज धूप निकली थी, सर्दी की जो शिद्दत है वो थोड़ी कम हुई है माशाल्लाह। उम्मीद है आने वाले दिनों में सर्दी कम हो जाएगी और धूप निकलने लग जाएगी और मौसम जो है नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा और लोगों के लिए कुछ बेहतरी होगी, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ये सर्दी वाला मौसम जो है ना बहुत टफ होता है, हमने देख लिया है क्योंकि शावेज के साथ वो चीजें हुई हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस की, बच्चों के मामले में बहुत केयर करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं, तो आज हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं। नया बनाने से पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, कहानी हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बारिश के मौसम के साथ साथ हम नमकीन पकौड़े समोसे वगैरह तो हम लोग खाते रहते हैं, तो आज हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं, ये एक स्नैक टाइप की रेसिपी है, ये यानी कि हल्की फुल्की भूख में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। स्नैक को बनाने के लिए एक अदद हमें दरमियाना साइज का एप्पल चाहिए माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत और हेल्दी एप्पल है। एप्पल के साथ हमें एक कप दही चाहिए, ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में शुगर है, मैदा है, कुछ बेकिंग पाउडर है, एक अदद हमें अंडा चाहिए। स्टार्ट करते हैं, जो जो चीजें हमें हम डालते जाएंगे आप लोग भी उनको देखते जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें डालनी है। तो सबसे पहले जी हम एप्पल को छील लेंगे अच्छी तरह, इसका छिलका वगैरह उतार लेंगे। तो
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एप्पल जो है अच्छी तरह छील लिया है और उसके छोटे पीसेस भी कर लिए। तो अब करना कुछ इस तरह है, एप्पल को जो है ना क्रश करना है, इसके बारीक बारीक पीस करने हैं। तो वो हम कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे हो। माशाल्लाह ये जो स्नैक, ये जो रेसिपी है ना बहुत ही हेल्दी और मज़े की है, क्योंकि इसके अंदर एप्पल जा रहा है और सारी चीज़ें जो है ना वो हेल्दी हैं। माशाल्लाह सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई डेंजरस नहीं है। एप्पल को मैंने क्रश कर लिया, ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह दिल करता है ऐसे ही बंदा खा जाए, बच्चों के लिए ये बहुत ही मजे के। मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक अदर अंडा लेंगे, तो अंडे के अंदर हम 1.5 चम्मच जो है पिसी हुई चीनी यानी कि शुगर जो है पाउडर फॉर्म में हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। चीनी और अंडे को मिक्स कर लिया है, अभी इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम जो है हम दही डालेंगे। माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इस मिक्सर के अंदर हम लोग डालेंगे जी एप्पल। तकरीबन 100 ग्राम मैदा लिया है और इसके अंदर तकरीबन ये वाला चम्मच इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर का। अब इसको छान लेंगे, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, जो बेकिंग पाउडर है मैदे के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसको छान लेते हैं। तो मैदा डालने से पहले ये थोड़े से ये हैं जी लेमन पील्स यानी कि लेमन के छिलके हैं, उनको मैंने अच्छी तरह छोटा छोटा काट लिया है। तो ये इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन जो है ना एक लीमू के होने चाहिए, एक लीमू के बराबर। अब इसके अंदर मैदा डाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारा जो पेस्ट है बहुत ही अच्छा और अच्छी तरह मिक्स हो गया है और तैयार हो गया है। तो अभी इसको करना है जी फ्राई, तो चलें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने से पहले एक आइटम और तैयार करनी है, वो तैयार कर लेते हैं। हम लेंगे 1 चम्मच चीनी तकरीबन वही पीसी फॉर्म में, छोटा चम्मच है दार चीनी पीसी पाउडर फॉर्म में, वो ऐड करेंगे। तो शुगर पाउडर को और दार चीनी पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और आप इसको फ्राई करते हैं पहले। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा हल्का सा ऑयल डाला है और उसको गर्म किया, बस ज़्यादा नहीं डालना, हल्का डालना ताकि उसके अंदर जो है ना वो फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगी। हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए, कच्चा ना रहे। तो माशाल्लाह ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप बच्चों को बना के दें उनके लंच में दें। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको तैयार करके दें, लंच बॉक्स में डाल के दें और माशाल्लाह मज़े से स्कूल में खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। वैसे ये अनहेल्दी भी नहीं है, माशाल्लाह बच्चों के लिए बहुत ही मज़े की है। तो माशाल्लाह ये जो है अच्छी तरह फ्राई हो गई है, मतलब अच्छी तरह पक गई हैं। तो अभी इनको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं, वो अभी इनको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्राई हो गया, चेक करें कितना गोल्डन गोल्डन कलर जो है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। तो ये चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इनका, गोल्डन गोल्डन। अभी एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, तो अभी इसके ऊपर डालेंगे तो और मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। दार चीनी का पाउडर और चीनी का जो पाउडर बनाया था मिक्स करके, इसको इसके अंदर डालें ये छानी के अंदर और इसको हल्का हल्का छिड़क दें इसके ऊपर। दार चीनी की जो खुशबू है ना माशाल्लाह कमाल की आ रही है, आप लोग ट्राई करेंगे, जब आप लोग इसको स्मेल करेंगे और टेस्ट करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी मैं आपको इसको ज़रा तोड़ के चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह बना है। ये चेक करें माशाल्लाह, माशाल्लाह इधर कितना सॉफ्ट है अंदर से और सॉफ्ट सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चीज़ डाली हो इसके अंदर। ये चेक करें, ये
तो अभी इसको टेस्ट करते हैं कि टेस्ट किस तरह है। माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल का है, मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं क्योंकि मैंने चीनी है थोड़ी कम डाली थी, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो लाइट शुगर है और लाइट लाइट मीठा है। ये जो सारे पड़े ना, ये एक बंदा आराम से मज़े से खा जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना। हम एक इंस्टेंट और एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी बताते हुए मज़ा करें और खाते हुए मज़ा करें। तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल, रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।